बड़ा मदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए सी जो भी उपाणा उत्थे वापरिया, क्योंकि बड़ी देर बाद पंजाब दे विच माहौल जिहड़ा सी वो ठीक होया। इहदे पिछे बथेरे लोगों दीआं जानां गईआं, कई निहत्थियां दीआं जानां गईआं। सो बड़ी मुश्किल नाल पंजाब दे अंदर अमन और शांति बनी है। इत्थों दे लोगों च आपस में भाईचारा है, इत्थे कोई किसी दे रिलीजन नूं, हर व्यक्ति, मैं चाहे सिख धर्म नूं मंनदा है लेकिन मैं उन्नी तरजीह हिंदू धर्म नूं ते दूजे धर्मां नूं सारिआं नूं दिंदा है। सो इसे 9 मास का रिश्ता है। मेरी बेनती है तमाम उन्हें संगठन के आगू साहबाना, कृपा करके ये पंजाब कला मेरा नहीं है, थोड़ा नहीं है, समुचे पंजाबियों का पंजाब है। आओ आप रल मिल के इतने शांति बहाल रखिए। अगर कोई किसी के मन में ठेस पहुँची है किसी के गल कहन दे नाल, ता उनू बैठ के सानू उरे ते विचार वटांदरा करके वार्तालाप करनी चाहिए है, ना कि कोई पंजाब का माहौल खराब होवे इस तरह का कोई काम करिए। और एक कुछ चंद लोग ने जेड़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मेरी फिर पंजाब के भाईचारे को, समुचे भाईचारे को, पंजाब के लोगों को यही बेनती है कि अमन और शांति बनाए रखो। बड़ा मदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए सी जो भी उपाणा उत्थे वापरिया, क्योंकि बड़ी देर बाद पंजाब दे विच माहौल जिहड़ा सी वो ठीक होया। इहदे पिछे बथेरे लोगों दीआं जानां गईआं, कई निहत्थियां दीआं जानां गईआं। सो बड़ी मुश्किल नाल पंजाब दे अंदर अमन और शांति बनी है। इत्थों दे लोगों च आपस में भाईचारा है, इत्थे कोई किसी दे रिलीजन नूं, हर व्यक्ति, मैं चाहे सिख धर्म नूं मंनदा है लेकिन मैं उन्नी तरजीह हिंदू धर्म नूं ते दूजे धर्मां नूं सारिआं नूं दिंदा है। सो इसे 9 मास का रिश्ता है। मेरी बेनती है तमाम उन्हें संगठन के आगू साहबाना, कृपा करके ये पंजाब कला मेरा नहीं है, थोड़ा नहीं है, समुचे पंजाबियों का पंजाब है। आओ आप रल मिल के इतने शांति बहाल रखिए। अगर कोई किसी के मन में ठेस पहुँची है किसी के गल कहन दे नाल, ता उनू बैठ के सानू उरे ते विचार वटांदरा करके वार्तालाप करनी चाहिए है, ना कि कोई पंजाब का माहौल खराब होवे इस तरह का कोई काम करिए। और एक कुछ चंद लोग ने जेड़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मेरी फिर पंजाब के भाईचारे को, समुचे भाईचारे को, पंजाब के लोगों को यही बेनती है कि अमन और शांति बनाए रखो। बड़ा मदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए सी जो भी उपाणा उत्थे वापरिया, क्योंकि बड़ी देर बाद पंजाब दे विच माहौल जिहड़ा सी वो ठीक होया। इहदे पिछे बथेरे लोगों दीआं जानां गईआं, कई निहत्थियां दीआं जानां गईआं। सो बड़ी मुश्किल नाल पंजाब दे अंदर अमन और शांति बनी है। इत्थों दे लोगों च आपस में भाईचारा है, इत्थे कोई किसी दे रिलीजन नूं, हर व्यक्ति, मैं चाहे सिख धर्म नूं मंनदा है लेकिन मैं उन्नी तरजीह हिंदू धर्म नूं ते दूजे धर्मां नूं सारिआं नूं दिंदा है। सो इसे 9 मास का रिश्ता है। मेरी बेनती है तमाम उन्हें संगठन के आगू साहबाना, कृपा करके ये पंजाब कला मेरा नहीं है, थोड़ा नहीं है, समुचे पंजाबियों का पंजाब है। आओ आप रल मिल के इतने शांति बहाल रखिए। अगर कोई किसी के मन में ठेस पहुँची है किसी के गल कहन दे नाल, ता उनू बैठ के सानू उरे ते विचार वटांदरा करके वार्तालाप करनी चाहिए है, ना कि कोई पंजाब का माहौल खराब होवे इस तरह का कोई काम करिए। और एक कुछ चंद लोग ने जेड़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मेरी फिर पंजाब के भाईचारे को, समुचे भाईचारे को, पंजाब के लोगों को यही बेनती है कि अमन और शांति बनाए रखो। बड़ा मदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए सी जो भी उपाणा उत्थे वापरिया, क्योंकि बड़ी देर बाद पंजाब दे विच माहौल जिहड़ा सी वो ठीक होया। इहदे पिछे बथेरे लोगों दीआं जानां गईआं, कई निहत्थियां दीआं जानां गईआं। सो बड़ी मुश्किल नाल पंजाब दे अंदर अमन और शांति बनी है। इत्थों दे लोगों च आपस में भाईचारा है,
इतने कोई किसी के रिलीजन हर व्यक्ति, मैं चाहे सिख धर्म को मानता है लेकिन मैं उन्नी तरजीह हिंदू धर्म को दूजे धर्मों सारियां नूं दिंदा। सो इस 9 मास का रिश्ता है। मेरी बेनती है तमाम उन्होंने संगठन के आगू साहबानों, कृपा करके ये पंजाब कला मेरा नहीं है, तुहाडा नहीं है, समुचे पंजाबियों का पंजाब है। आओ आप रल मिल के इत्थे शांति बहाल रखिए। अगर कोई किसी के मन में ठेस पहुँची है किसी के गल कहन दे नाल तां उन्हूं बैठ के सानू उरे ते विचार वटांदरा करके वार्तालाप करनी चाहिए है, ना कि कोई पंजाब का माहौल खराब होवे इस तरह का कोई काम करिए। और एक कुछ चंद लोग ने जेड़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मेरी फिर पंजाब के भाईचारे समुचे भाईचारे पंजाब के लोगों को यही बेनती है कि अमन और शांति बनाए रखो।